क्या हुआ जब इतने सारे लोग प्लेन से एक साथ नीचे कूद गए? समुन्दर की गहराइयों में ये क्या चौंकाने वाली चीज मिली? आइस क्यूब को अगर गर्दन पर रख दें तो क्या होगा? और इस वीडियो में पता चलेगा कि आपकी आत्मा का वजन कितना है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। अगले 10 मिनट में आपकी नॉलेज ऐसे बूस्ट होगी कि आप भी बोलेंगे अरे वाह। नंबर 24। दोस्तों हमारे समाज में लोग कितने ज्यादा डिप्लोमेटिक है कभी सोचा आपने? एक लड़का अगर किसी लड़की या यूं कहें कि अमीर लड़की से शादी करना चाहे तो उसे दहेज का लालची कहा जाता है। वहीं अगर एक लड़की अगर लड़के की सैलरी और उसकी जायदाद देखकर शादी करती है तो उसमें स्मार्ट डिसीजन और थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर नाम दिया जाता है। ये समाज का दोगलापन नहीं है तो और क्या है? लड़का लड़की में अगर बराबरी चाहिए तो हमें इस टॉपिक पर भी बात करनी चाहिए। ये ठीक नहीं हो रहा है लौंडों के साथ। आप क्या सोचते हैं कमेंट प्लीज। फैक्ट नंबर 23। क्या आप जानते हैं कि जैकी चैन और उनकी स्टंट टीम दुनिया की सभी इंश्योरेंस कंपनी में ब्लैक लिस्टेड है? जी हाँ, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जैकी और उनकी टीम के सदस्यों की लाइफ को इंश्योर्ड नहीं करती। अब भैया कंपनियां भी जानती हैं कि जैकी कितने डेयर डेविल स्टंट करते हैं, ऊपर से खुद ही सारे स्टंट्स को परफॉर्म भी करते हैं। सोचिए जैकी की जान को कितना खतरा होगा जिससे जीवन बीमा वाली कंपनियां तक दूर भागती हैं। फैक्ट नंबर 21। शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा अमर होती है। वो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। किसी भी सत्संग में ये बात जरूर बताई जाती है ना? अब देखते हैं इससे जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि डंकन मैकडूगल पेशे से डॉक्टर डुनकान ने साल 1901 में आत्मा के एक्सीडेंट को प्रूव करने के लिए एक पेशेंट पर ये एक्सपेरिमेंट किया। डुनकान ने इस पेशेंट के मरने से पहले और मरने के तुरंत बाद का वजन चेक किया तो ये पाया कि इसमें 21 ग्राम का अंतर था। ये 21 ग्राम डुनकान के मुताबिक आत्मा का था, लेकिन आपकी नजर में क्या था कॉमेंट में बताइए ना। फैक्ट नंबर 20। आत्माओं का जिक्र हुआ है तो चलिए भूत प्रेतों की थोड़ी बात कर ली जाए। क्या आपको पता है कि भारत में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है जो भूतों की अजीबोगरीब एक्टिविटीज का अध्ययन करती है? और इसके फाउंडर और भारत के टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ऐसे एक स्टडी में मारे गए। जी हाँ, साल 2016 गौरव की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई जब वो अपने ही बाथरूम में डेड पाए गए। गौरव की पत्नी का कहना है कि उनके पति के पीछे एक प्रेत आत्मा लगी हुई थी जिससे गौरव काफी परेशान थे। एक दिन जब गौरव बाथरूम में थे तो अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और उसके बाद गौरव हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। हैरान कर देने वाली बात तो ये रही कि इस केस में डॉक्टर भी ये बताने में लाचार दिख गए कि आखिर गौरव की मौत हुई कैसे। कमाल है, जो इंसान कई सालों तक आत्माओं को समझने की कोशिश करता रहा अंत में उसकी मौत इस रहस्यमय तरीके से हुई। क्या ये भूत की वजह से हुई? आपको क्या लगता है? फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि 130 करोड़ आबादी वाला भारत देश अब तक सारे ओलंपिक्स में केवल 28 गोल्ड मेडल ही जीत पाया है, जबकि इतने ही मेडल खुद एक अमेरिकन खिलाड़ी माइकल फ्लैप्स के नाम है, वो भी गोल्ड। बात सुनने में अच्छी ना लगे लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 18। अब इस नन्हे से देश आर्मेनिया को ले लीजिए। ईरान और टर्की के बीचों बीच बसा है छोटा सा देश आर्मेनिया। मात्र 30 लाख की कुल आबादी वाले इस देश ने न जाने कितनी ही दिक्कतें और परेशानियां देखी होंगी, फिर भी यहाँ खेलों को इतना सीरियसली लिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्मेनिया में चेस खेलना और सीखना कंपलसरी है। चेस यहाँ बाकी सब्जेक्ट की तरह होता है जिसे आपको स्कूल लेवल पर सीखना और पढ़ना होता है। दिमाग को स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेटेजिक और क्विक डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए यहाँ बचपन से चेस पर जोर दिया जाता है। अब आप ही बताइए ये देश इंटरनेशनल लेवल पर आकर सबको हैरान करेगा या नहीं। फैक्ट नंबर 17। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओलंपिक में इतना पिछड़ा हुआ इंडिया क्रिकेट की दुनिया में पैसे के मामले में राज करता है। पूरी दुनिया में क्रिकेट से होने वाली कमाई का 70% हिस्सा इंडिया का है, जबकि कभी इस जगह पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 16। अमेजन के सीईओ जेफ बिजोस को अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए 60 से 70 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़े। भारतीय रुपए में बताऊं तो भैया ये तलाक 4.2 लाख करोड़ का हुआ। दुनिया की सबसे महंगे तलाक में जेफ ने मैकेंजी से अलग होने के लिए लगभग अपनी आधी दौलत अपनी एक्स वाइफ के नाम कर दी। फैक्ट नंबर 15। क्या आप जानते हैं मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में 1000 मोहर का सिक्का चलता था? ये सिक्का सोने का बनाया जाता था और इसका वजन 12 किलो होता था। जी हाँ, 12 किलो का भार एक सिक्का हुआ करता था जिसकी आज के दौर में कीमत कम से कम 3.60 करोड़ तो तय समझो। अब समझे, भारत को ऐसे ही नहीं सोने की चिड़िया कहा गया, कभी भारत की प्रजा भी करोड़पति बन के घुमा करती थी। फैक्ट नंबर 14। ये फैक्ट अमेरिका के काले इतिहास को बताएगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अमेरिका में रहने वाले लोग असल में सच्चे अमेरिकन नहीं है, वो सदियों पहले यूरोप से अमेरिका आए और यहाँ के नेटिव अमेरिकन को ही उन्हीं की जमीन से साफ कर दिया। इन यूरोपियन अमेरिकन ने सदियों तक इन असली अमेरिकन पर गुलामी की और उन्हें जान से मार दिया।
और ये सदियों से सदियों तक होता आया। करीब 13 करोड़ असली अमेरिकन इन यूरोपियन अमेरिकन की यातनाओं का शिकार हुए और मारे गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज केवल 50 लाख नेटिव अमेरिकन अमेरिका में बचे हैं। इनमें से ज्यादातर आबादी शहर से दूर जंगलों में रहती है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि हम भारतीयों से ज्यादा चीनी लोग फिल्मों के शौकीन ज्यादा होते हैं। एक तरफ जहां भारत और चाइना की आबादी लगभग बराबरी के कगार पर है, लेकिन फिल्म स्क्रीन के मामले में ये आंकड़ा काफी अंतर का है। भारत में यह सिंगल मल्टीप्लेक्स मिलाकर 9,500 स्क्रीन है, तो वहीं चाइना में स्क्रीन करीब 55,000 के आसपास है। अब समझे कि पिछले 5-6 सालों से बॉलीवुड चाइना में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। वैसे ये तो बढ़िया ही है कि उन्हें हमारा कंटेंट पसंद आए और हमारी फिल्में वहां खूब कमाई करें। फैक्ट नंबर 12, अरे कमाई से याद आए कि भारत की मशहूर फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार ने अकेले चाइना में 752 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि इसकी कुल कमाई 965 करोड़ रुपए थी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस फिल्म की लागत मात्र 15 करोड़ रुपए थी, यानी इस हिसाब से इस फिल्म ने 6000% की कमाई की। जी हाँ, 6000%। इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ चाइना की ज्यादा स्क्रीन का है। वैसे फिल्म तो ऑब्वियसली अच्छी ही थी। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों फैक्ट दोस्ती की मिसाल है। अब इस क्लास को ले लीजिए, कैंसर से लड़ रही इस लड़की को ये फील ना होगी कि वो कैंसर से जूझ रही है, उनकी क्लास के सभी लड़के गंजे हो गए। यानी अब जैसे तुम वैसे हम, फिर क्या गम, दोस्ती हो तो ऐसी। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों जापान में सिगरेट न पीने वाले एम्प्लॉयज को उनकी कंपनी एक्स्ट्रा छुट्टी देती है। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि ये लोग स्मोकिंग ब्रेक नहीं लेते। जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 मिनट के दो स्मोकिंग ब्रेक अगर एनुअली कैलकुलेट किया जाए तो चंद मिनट एक हफ्ते के बराबर बैठते हैं। फिर क्या, जो सिगरेट पीते हैं वो ऑफिस में स्मोकिंग ब्रेक ले, और जो नहीं पीते अपनी फैमिली के साथ एक हफ्ता मौज करे। है ना कमाल का जस्टिफिकेशन? वेल लाइक इट। अगर ये तरीका आपको पसंद आया तो आप भी लाइक बटन दबा दीजिए। फैक्ट नंबर 9, किसी भी चीज को बेचने के लिए कंपनियां नए नए फंडे अपनाती है। अब इसी को देख लीजिए, ये है जापान के एक आइसक्रीम ब्रांड जिसे कहते हैं पानाप। पानाप की खासियत ये है कि जब आपको आइसक्रीम मिलती है तो मुस्कुरा कर मिलती है, लेकिन जैसे जैसे खत्म होती है आइसक्रीम भूतिया होती चली जाती है। जी हाँ, इसमें चॉकलेट और फ्रूट का मिक्सचर इस तरह डाला जाता है कि जैसे जैसे आप अपने आइसक्रीम को फिनिश करते हैं आपको ये चेहरा दिखाई देने लगता है। जापान अंतरंगी देश, अंतरंगी भेष। फैक्ट नंबर 8, ये पिक्चर देख रहे हैं, ये तस्वीर है जापान की जहाँ लगभग सभी पार्किंग स्पेसेस कुछ इस तरह दिखते हैं। जापान ने पार्किंग की ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है जहाँ एक कार कभी भी दूसरी कार का रास्ता नहीं रोकती। कम जगह में मल्टी लेवल और ज्यादा जगह में क्लस्टर पार्किंग, ये सब जापान के आइडियाज है जिन्हें आज कई देश फॉलो कर रहे हैं। वैसे जापान जो भी करता है उसमें कुछ ना कुछ तो परफेक्शन जरूर रहता है। फैक्ट नंबर 7, हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों में से एक है मलेशिया में मौजूद बाटू केव। भगवान मुरुगन का ये मंदिर भारत के बाहर हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि ये गुफा 400 मिलियन साल पुरानी है। इस प्रसिद्ध मंदिर की प्रसिद्धि को देखते हुए और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के आस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ लगाई गई है एक विशालकाय मूर्ति जिसकी ऊंचाई 140 फीट। वैसे ये मलेशिया का सबसे ऊंचा स्टैचू भी है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है तिब्बत में सेब, जी हाँ एप्पल की एक ऐसी वैरायटी पैदा होती है जिसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है। जी हाँ, सेब, वो भी ब्लैक। वैसे दिखने में खतरनाक ही सेब खाने में लाजवाब होता है। कहते हैं कि इसका टेस्ट शहद से ज्यादा मीठा होता है। दोस्तों, किसी ने खाया है तो कमेंट में बता दीजिए। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं भारत इकलौता ऐसा देश है जहां की बैंकों का मेन गेट ऐसा होता है। जी हाँ, एक चैनल गेट और उसमें लगी ये चैन जिसमें एक वक्त में एक ही आदमी पार हो सकता है। सिक्योरिटी के इस अतरंगी तरीके का लॉजिक शायद ये हो सकता है कि कभी कभार बैंक में डाका पड़ा तो चोरों की गैंग आसानी से ना भाग पाए। आपको क्या लगता है? फैक्ट नंबर 4, आपने आइस क्यूब के इस फायदे के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। चाइनीज मेडिसिन थेरेपी के मुताबिक आइस क्यूब को गर्दन के इस स्पॉट पर 10 से 15 मिनट रखने में शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, मूड अच्छा हो जाता है, सरदर्द माइग्रेन से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, ऐसा करने से इम्यून सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है और नींद भी अच्छी आती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं इंसान ने अब तक समुद्र का 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है, 95% अब तक बाकी है। वैसे फैक्ट ये है कि समुद्र में मौजूद एक ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो सबसे बड़ी मछली स्पर्म वेल के बराबर होता है। ये है पायरोसोम। दिखने में अजीब सा एक क्रिएचर 7 फीट तक लंबा होता है। पानी की लहरों के सहारे रहने वाले ये पायरोसोम कभी कौन तो कभी सिलेंड्रिकल शेप में पाए जाते हैं। वैसे ये होलो शेप्ड ऑर्गेनिज्म पानी में चमकते भी हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है अमेरिका के एरिजोना में एक साथ 2017 लोगों ने स्काई डाइविंग का अनोखा रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, 2017 में स्काई डाइवर्स की इस टीम ने, जिसमें 217 डाइवर शामिल थे, 10 एयरप्लेन के साथ एक साथ छलांग लगा दी। 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरते हुए इन लोगों ने कई पैटर्न फॉर्म किए जिसमें फूल जैसा दिखने वाला ये डिजाइन भी शामिल था। 19,000 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए इन डाइवर्स ने दर्जनों करतब दिखाए जिसे देखकर लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। वैसे इस हाइट से इतने लोगों का एक साथ कूदना अभी तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो एरिजोना में इन स्काई डाइवर्स के नाम पर ही है।
फैक्ट नंबर वन, इस फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा कि आप जानते हैं जिस वक्त आप स्माइल करते हैं उस वक्त आप सांस नहीं लेते। जी हाँ, ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई तो करो यार। सांस आए तो बताइएगा क्या हुआ, सांस आई। सॉरी, ये मजाक था, क्योंकि हमारा मकसद आपके चेहरे पर मुस्कान लाना था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस बटन पर क्लिक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहने का। थैंक यू।